हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, एकदम ठीक हो, फिट हो, तैयारी ठीक चल रही है। नीट 5 से 6 दिन और उसके बाद वो जो 2 साल की हार्डवर्क थी हमारी, एकदम से एक्सप्रेस होने वाली है ना। जैसे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और फाइनली उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। दैट टर्म इज़ नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। तो हमने मेडिकल ली 11th में ताकि हम डॉक्टर बन सकें। तो 11th में हम डीएनए बने, 12th में हम आरएनए बने और फाइनली नीट के एग्ज़ाम में हम अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं कि हमने 2 साल में क्या किया, राइट। तो दिस इज़ द टाइम जब आप लोग अपने आप को पूरी मेहनत के साथ, पूरी हार्डवर्क के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में एंड एक बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप लोग वहाँ जा रहे हैं और अपना एग्ज़ाम देंगे, है ना, अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। एंड आई एम लाइक विशिंग यू अ वेरी 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 गुड लक, है ना। आपका पेपर अच्छा जाएगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहो, है ना। ये कन्फर्म है कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। क्यों अच्छा जाने वाला है? क्योंकि आप इकलौते ऐसे बैच हो बच्चों, इकलौते ऐसे बैच हो जिसकी ऊपर वाले ने इतने ज़्यादा टेस्ट लिए हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट। एग्ज़ाम के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और जो इतने टेस्ट लिए हैं और इतने टेस्ट के बाद जी कुछ तो बनता है, हाँ जी, इतने टेस्ट के बाद कुछ तो बनता है ना, बात समझ पा रहे हो? तो वो आपको मिलने वाला है। अब मिलेगा उसी को जिसने ईमानदारी दिखाई है, ट्रस्ट में, है ना। वो ऊपर वाला सब देखता है बच्चों, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जो ईमानदार है उसको सब कुछ देते चले जाते हैं। हार्डवर्क, पेशेंस, है ना, और कंसिस्टेंसी, है ना, और साथ में ऑनेस्टी, ये 2-4 कुछ इंग्रेडिएंट हैं। आपने अगर साल भर हार्डवर्क किया है, साल भर, 2 साल भर, राइट, आपके पास कंसिस्टेंसी थी, आपने कभी भी अपने काम की को इररेगुलर नहीं किया कि आज किया 3 दिन छोड़ दिया, आपने ईमानदारी दिखाई, इसको बोलते हैं ईमानदारी दिखाना। आपको लगे कि जी मैं सोना चाहता हूँ और काम पड़ा हुआ है ना, और आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने अपने काम के साथ में बेईमानी की थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने ईमानदारी दिखाई है पूरे 2 साल, आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, आपने हार्डवर्क दिखाया है, आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, तो सिलेक्शन पॉसिबल पक्का है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने खूब मेहनत की है, हमने ही नहीं, पूरी पूरी टीम ने, टीचर्स की टीम ने, जो भी टीचर्स आपके साथ अन अकेडमी पर थे, सभी ने खूब हार्डवर्क किया है और ये हार्डवर्क कन्वर्ट होगा, ट्रस्ट में हार्डवर्क कन्वर्ट होगा। सो मैंने सोचा चलते चलते तुम लोगों को अलग अलग जो कंट्रीज़ के फॉर्म में, जैसे कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेंडल कहाँ पर पैदा हुए, है ना, मेंडल वॉज बोर्न इन कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट द आंसर इज़ वॉट, ऑस्ट्रिया, है ना, आंसर क्या हो गया, ऑस्ट्रिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छे वाले सिटीज़ और कंट्रीज़ एक जगह उठाकर लेकर आ जाऊँ। हाँ, लास्ट में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, जो जो आपके डाउट होगा आप लोगों से बात कर लूँगा। एंड यस, एक तो चीज़ ये याद कर लो, आज जो क्लास कर रहे हैं मैं आपके लिए 2 सेशन और लाने के प्लान में हूँ इसी वीक में, जो ये वीक चल रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक सेशन जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के जो है जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट, एंड सेकंड जो होगा, जो एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, दिस इज़ माय प्लान, एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, इन 2 सेशन की बात और मैं करूँगा। इसके बाद तो 2021 के लिए और 2022 के लिए नीट प्रो चैनल अपना है ना, उस पर खूब धुआंधार पढ़ाई करने वाले हैं। चैनल का नाम क्या है पता ही है ना सबको, नीट प्रो, नीट प्रो इज द चैनल, डन। तो नीट प्रो चैनल पर सब सारे बच्चों को मैं मिलूंगा हमेशा, कभी कभी यहाँ पे दिख जाया करूँगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी टीचर्स हैं, है ना, तो इससे अच्छा एक अलग से टीचर्स, मतलब एक अलग से हम लोग वहाँ पर अपना सिस्टम बनाएंगे और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करेंगे 2021 के लिए और 2022 के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में। तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। जो बच्चे आज भी मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, माय नेम इज अनुराग तिवारी और आपको अन अकेडमी पर लाइव प्लस प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस में यूट्यूब में आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं यस। और जो खास बात है क्या है, एनसीईआरटी को निचोड़ने में एक्सपर्ट हूं, मुझे पसंद है निचोड़ना, है ना। तो एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें छोटी छोटी हैं वैसी चीज़ें निकाल कर लेकर आऊँगा आपको, बहुत सी चीज़ें, ताकि आप पढ़ो थियरी भी प्लस मेरा तरीका भी फॉलो करो, थियरी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे ध्यान नहीं देते। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे बारे में हैं बच्चों, राइट, कुछ चीज़ें मेरे बारे में हैं यहाँ पर, आप सबको ऑलरेडी पता ही है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ आपको करना क्या है,
अनअकैडमी पर जाना है और मुझे मेरी प्रोफाइल को फॉलो करनी है, ताकि आपको जब मैं मॉर्निंग में 9 से 10 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, है ना, मॉर्निंग में, ठीक, या फिर मैं शाम को 6 बजे जब क्लासेस ले रहा हूँ, तो ऐसी जो भी दिन में 2 क्लासेस लेता हूँ स्पेशल, मिनिमम 3 भी हो जाती हैं, कभी कभी 4 भी हो जाती है, डिपेंड्स, वेरीज डे टू डे, बट 9 to 10 फिक्स है, 9 to 10 फिक्स है। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं, जैसे आज 2019 का करवाया था, कल 2018 करवाने वाला हूँ, तो आ जाओ वैसे, है ना। और प्लस टेलीग्राम चैनल भी है हमारा अनअकैडमी नीट प्रो का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल भी होगा, वो भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कहानियों को सिस्टमैटिक। अच्छा, मेरा एक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, मुझसे पढ़ना चाहते हो बच्चों और साथ में बाकी टीचर्स तो ही हैं, और अभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो मैं 14th of September से कुछ नए प्लस के कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, और बिल्कुल हमेशा की तरह अनअकैडमी पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी फिर जैसे ही आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आओगे। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग जैसे ही लोगे ना बच्चों, वैसे ही आपको डेली लाइव क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी प्लस की। वन थिंग, आप चैट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, पोलिंग तो हम हमेशा करते ही करते हैं। अच्छा, लाइव टेस्ट और क्विजेज, जैसे ही आपका कोई चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है बच्चों, कोई भी चैप्टर जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, राइट, वैसे ही आपकी लाइव टेस्टिंग की बातें हम लोग करना शुरू कर देंगे, लाइव टेस्टिंग दी, है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा, सिस्टमैटिक, कि हर 3-3 लेक्चर के बाद एक बार डाउट सेशन कर लिया, फिर 3 लेक्चर लिया, एक बार डाउट शुरू कर लिया, है ना। एंड बेस्ट पार्ट, आपको अनलिमिटेड एसेस मिल रहा है सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में। सिंगल सब्सक्रिप्शन विल गिव यू अनलिमिटेड एसेस, अनलिमिटेड एसेस, राइट। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जो आपको यहां पर मिलते हैं। लाइव क्लासेस तो हैं, कभी नेटवर्क वीक हो जाए तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। जैसे ऑफलाइन में आपने क्लास ले ली, दोबारा से क्लास लेने के लिए आपको बैकअप क्लास का वेट करना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर कभी भी देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, हजार बार देखो। तो ये सब कुछ फायदे हैं। करना क्या है उसके लिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर आपको सीधे डाउनलोड करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है, दिख रहा है, इंस्टॉल जैसे ही करोगे बच्चों, है ना, आपके पास नीट यूजी गोल आपको सेलेक्ट करना है, वहां पर जाकर नीट यूजी गोल सेलेक्ट करना है, और फिर सेलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, फिर सेलेक्ट करना है क्या, सब्सक्रिप्शन। अब आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा सा चार्ट दिखेगा, और इस चार्ट में 1 ईयर की फीस, जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे, 80 सर, माई कोड इज वॉट, रेफरल कोड, इस कोड के थ्रू आपका फायदा होगा, तो इस कोड के थ्रू आपकी फीस कितनी हो जाएगी बच्चों, 27,000 ऑनली पूरे साल की, 27,000, और 24 मंथ की कितनी हो जाएगी, 32,000, नॉर्मली ये 36,000 है, बट मेरा कोड यूज करोगे तो यू विल गेट 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ मिल जाएगा बाई यूजिंग माई कोड ऑनली, राइट। तो ये कुछ फायदे हैं। मैंने ऐसे किसी बच्चे से पूछा तो कहता सर ये तो बहुत महंगा है, मैंने उसको कैलकुलेट करके बताया, मैंने क्या किया कि ये जो 32,000 है ना 2 साल का, मैंने इसको 24 से डिवाइड कर दिया, है ना, और 24 से डिवाइड करने के बाद जो मंथली फीस आई उसकी वो कितनी हो गई, 1,350 रुपये। अब 1,350 को मैंने 3 से, है ना, इसको फिर फर्दर डेली बेसिस पर डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो पर सब्जेक्ट जो प्राइस आ रहा था 15 रुपीज़ पर डे। भाई ये अगर महंगा है, और वो भी टॉप एजुकेटर्स, बेहतरीन टीचर्स जो आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कॉस्ट, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको सस्ते का भी सस्ता पड़ रहा है, राइट। तो बहुत नॉमिनल से चार्जेस में, यूज़ माई कोड, कोड नहीं भूलेंगे बच्चों 21 के लिए। और एक छोटी सी चीज़ जो मेरी नॉलेज में आई है, फीस शायद कुछ इंक्रीज हो रही है, तो ट्राई करें कि बिफोर 10 सितंबर आप लोग इसको क्या करें, ज्वाइन कर लें, बिफोर 10 सितंबर आप लोग 21 या 22 के लिए ज्वाइन हो जाएं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों, चलो शुरू करते हैं चीजों को सिस्टमैटिक फॉर्म में। बहुत सी कंट्रीज हैं, है ना, जो आपको यहां पर बतानी है सिंपल सिंपल फॉर्म में, और दिमाग लगाएंगे सारे बच्चे, दिमाग लगाएंगे, मजा आएगा, है ना, मजा आएगा सिस्टमैटिक फॉर्म में। मुझे पहले बताएं रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहां पर है बच्चों, कहां पर है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करें सिंपल सिंपल फॉर्म में, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, यस, है ना, आंसर्स आने कुछ कुछ शुरू हो गए, वेरी नाइस। तो इट इज लोकेटेड एट क्यू, इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर ना,
तो दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आ जाए आपको टिक करना है, क्यू इंग्लैंड रॉयल बॉटेनिकल गार्डन डन। सेकंड, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, लिखो वन डैश क्यू इंग्लैंड, ऐसे मुझे ज्यादा पता चलेगा। तो वन डैश क्यू इंग्लैंड, टू डैश इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहां पर है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन बच्चों हावड़ा है ना, हावड़ा इंडिया के अंदर है ना, वो जो कोलकाता के उसमें, तो हावड़ा याद रखें, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, यस प्लीज याद रखेंगे। एनबीआरआई अलग चीज है, नेशनल इंडियन बॉटेनिकल गार्डन अलग है ना, एनबीआरआई नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो अलग है। तो ये लखनऊ में है आपका, दिस इज लोकेटेड एट, तो सेकेंड का ऑप्शन जाएगा हावड़ा ना कि लखनऊ, फर्स्ट थिंग राइट। और एनबीआरआई कहां पर है बच्चों, यस लखनऊ है ना, लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ यूपी में है ना बच्चों, वहां की कैपिटल है, बहुत से बच्चे यूपी के होंगे है ना, मैं भी यूपी का ही हूं है ना, अभी हरियाणा में। सो एनबीआरआई नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। सीडीआरआई कहां पर है भाई, फोर्थ का आंसर जल्दी से बताएं सारे बच्चे, फोर्थ का आंसर सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जल्दी से बताओ सीडीआरआई लोकेटेड एट विच प्लेस। हम सिटीज और कंट्रीज की बातें आज करेंगे, सिटीज और स्पेशली कंट्रीज की बातें करेंगे अगले लाइक एक घंटे तक लगभग है ना। तो यस सीडीआरआई लोकेटेड एट अगेन लखनऊ है ना, और सीडीआरआई में एक स्पेशल मेडिसिन बनी थी बच्चों, सीडीआरआई में एक स्पेशल मेडिसिन बनी थी, दवा बनी थी, उसका भी नाम मुझे बताओ बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट सीडीआरआई में कौन सी मेडिसिन बनी थी बच्चों, जल्दी से बताएं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाना है, एक क्वेश्चन तो बड़े प्यार से आ जाना है, तो आपको एक घंटे में एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो इससे बेहतर डील कुछ भी नहीं है ना राइट। यस, तो यहां पर हमारे पास सहेली बनी थी ना, सहेली वंडरफुल, बहुत अच्छे, सहेली नॉन स्टेरॉयडल के फॉर्म में। अच्छा, स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना, ओके ये कहां पर आपको सबसे पहले मिला था, स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, ये पहली बार हमें कहां मिला था स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना, जल्दी से हाँ जी, सानिया है, रुत्वी है, पल्लवी है, संगीता है, काफी बच्चे नागाराजू है, सब कुछ अपने पुराने बच्चे भी हैं। तो आंसर यहां पर जाएगा केरला है ना, यहां पर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु, ये तीनों केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में ये हमें मिलते हैं है ना, ये हमें यहां मिलते हैं, बात समझ पा रहे हैं, केरला कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों ही याद रखेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आपको दे सकते हैं क्या, ऑल ऑफ देम। हर बात को ऐसे देखो कि बस यही क्वेश्चन नीट में आने वाला है, मजा आएगा ट्रस्ट मी राइट। तो केरला राइट, कर्नाटका और तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ देम राइट। ओके, ल्यूपिन की बात करते हैं, ल्यूपिन की बात करते हैं, यहां पर ल्यूपिनस आर्कटिकस कहां से हम लोगों ने इसको निकाला था, जल्दी से बताएंगे है ना, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी इजी और बहुत आसान, ल्यूपिनस आर्कटिकस कहां से हम लोगों ने देखा था, कहां फाइंड आउट किया था, वंडरफुल, बहुत अच्छे आंसर्स कुछ कुछ आने भी शुरू हो गए। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा की बातें कर रहे हैं, आर्कटिक टुंड्रा, तो टुंड्रा एरिया से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया था, पहली बार निकाला था। तो चीजों को याद कर लो, ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तीन चार ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें से एक को टिक करना है, एक बार निगाह से निकल भी गया ना तो एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही अच्छा हाँ ये हमने वहां पढ़ा था, लाइक दैट ठीक है। अगला, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिनिक्स डेक्टिली फेरा डेट फॉर्म, डेट पाम, ये कहां से हम लोगों ने आइसोलेट किया था, हाँ जी बच्चों ये हम लोगों ने कहां से आइसोलेट किया था, कहां से एक्सकेवेटेड किया था यहां पर, क्वेश्चन सिंपल सा है, फिनिक्स डेक्टिली फेरा। ओके, तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, नियर डेड सी किंग्स हेरोड पैलेस जो ना, तो यहां पर लिखना है किंग्स हेरोड्स पैलेस near Dead Sea,
चीजों को सिंपल फॉर्म में याद कर लेंगे, है ना, सिंपल फॉर्म में याद कर लेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी, बहुत इजी, राइट? अच्छा, अगली बात, साहिवाल काऊ कहां पर पहली बार ब्रीडिंग करवाई गई थी? साहिवाल काऊ की बात कर रहे हैं, साहिवाल काऊ ब्रेड इन पहली बार, पहली बार। जल्दी से बच्चों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 7th हो गया, 8th का आंसर बताएंगे, पहली बार साहिवाल काऊ की ब्रीडिंग कहां करवाई गई थी? तो आंसर इज व्हाट? पंजाब, है ना, आंसर इज व्हाट? पंजाब। एनसीईआरटी की बातें, पंजाब। और डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड से, किस मेथड से? बाय डोमेस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड ना, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, राइट? चलो 9th का आंसर बताओ, 9th तो काफी इजी है बच्चों। हां जी बच्चों, हिसार डेल कहां पहली बार डेवलप किया गया? हिसार डेल डेवलप्स इन, हिसार डेल डेवलप्स इन, इजी एंड सिंपल, हिसार डेल डेवलप्स इन, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर इज व्हाट? सबको पता है पंजाब, है ना, हिसार डेल भी कहां पर? पंजाब, ठीक है। आंसर विल बी व्हाट? और बाई क्रॉस ब्रीडिंग, बाई क्रॉस ब्रीडिंग, चीजों को याद रखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग की हेल्प से पहली बार हिसार डेल फाइंड आउट, मतलब बनाई गई थी, आप यूं समझ लें, पंजाब याद रखना है ना, पंजाब, ठीक है ना। ओपरिन कहां के थे भाई? ओपरिन किस, कहां के साइंटिस्ट थे? हेल्डेन कहां के थे? ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, ओपरिन इज फ्रॉम, सारे बच्चे, ओपरिन इज फ्रॉम, क्रॉस ब्रीड में क्या होता है ना, दो अलग अलग ब्रीड होती, तो वो चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, वो मेरिनो रैम्स, है ना, और बीकानेरी ईव, याद आ रही बातें? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ओपरिन इज फ्रॉम रशिया, है ना, ओपरिन इज फ्रॉम रशिया, याद रखेंगे, डन है, ओके, वंडरफुल विक्रम, बहुत अच्छे, नॉट इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, वंडरफुल रितिका, स्नेहा, बहुत अच्छे, सुमित, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हेल्डेन कहां के थे? हेल्डेन इंग्लैंड के थे, है ना, हेल्डेन इंग्लैंड के थे। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि रशियन साइंटिस्ट हु प्रूफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ओपरिन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, प्लीज मेरी बात को सीरियसली सुनो। रशियन साइंटिस्ट हु प्रूव्ड केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक, या उरेन जो है ये, ऐसे आप समझ लें। तो उसमें ओपरिन एक ऑप्शन आएगा, दूसरे में हेल्डेन, थर्ड में बोथ। तो गलती से आप ओपरिन एंड हेल्डेन के फॉर्म में टिक कर दोगे बोथ, और वहीं आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर रशिया मैं क्यों याद करूं? इसलिए याद करो क्योंकि क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन आ सकता है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एस एल मिलर की, बात करें, मुलर लिख गया है ना, मिलर की बात करते हैं, मिलर, राइट? सारे बच्चे एस एल मिलर की बातें करेंगे, तो ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के थे, ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ रही। वैलेस वर्कड इन, वैलेस ने पहली बार किस जगह पर काम किया था? हां जी, अल्फ्रेड वैलेस करके आपको याद है, तो मलाय आर्चिपिलागो, क्या मलाय आर्चिपिलागो, बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही, वंडरफुल, बहुत अच्छे। पीडीएफ बच्चों आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और जिस चैनल पर आगे की क्लासेस होंगी वो भी उसमें दिया हुआ है, नीट प्रो चैनल, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th की बात करेंगे, 14th क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशन सपोर्ट इवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम, हाँ जी, नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम, ये अजीब सा क्वेश्चन है ना, कि वो जो नेचुरल सिलेक्शन की ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन की, वो पहली बार कहां से, किस
कंट्री से आई तो आपको चीजें याद रखनी होंगी इंग्लैंड से, आपको याद रखना होगा क्या इंग्लैंड से बच्चे, ठीक है ना। और डार्विन ने किस जगह पर काम किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस। सर ये तो पता है, ये वाला तो पता है राइट, हाँ जी गैलापागोस आइलैंड। है ना, बहुत अच्छे, विक्रम है, रीना है, काफी बच्चे हैं, वेरी नाइस विक्रम, सुमैया है, है ना, पूनम है, वंडरफुल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस। सीलोकैंथ फिश की बात की जा रही है ना, सीलोकैंथ, और ये पहली बार कहां पर पकड़ी गई सीलोकैंथ फिश के फॉर्म में, जो नहीं वो एंसेस्ट्रल फॉर्म में, कि इसी से एम्फीबियंस आए हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, लोब फिंस बोला करते थे इवोल्यूशन चैप्टर में, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और वो भी 1938 में। वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बातें समझ में आ रही हैं बच्चों, ठीक है, तुम लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूं, विक्रम है, सुमित है, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडिफाई करके, तो ये डाटा याद कर लो और इससे बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड यस, मेरी प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल किस नाम से, एटी सर के नाम से, दिस इज माय प्रोफाइल एटी सर के नाम से, यही मेरा कोड भी है, रेफरल कोड भी, जब भी यूज करना हो तो मुझे बताना जरूर पेपर कैसा हुआ, ठीक है, ठीक है, बताना जरूर। चलो भाई अगली बार, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन, हाँ जी, फ्यू फॉसिल्स इन मैन, तो ये चीज याद रखेंगे, यूथोपिया एंड तंजानिया, है ना, इथियोपिया एंड तंजानिया, ठीक है। सारे बच्चे क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखो तो मजा आएगा, आई नो तुम्हारे लिए काफी कुछ टफ है, इतना नहीं ध्यान दिया कभी, आई नो ट्रस्ट मी, मुझे पता है, लेकिन इसी बहाने बहुत कुछ आज आप सीख कर जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस बनते हैं, बातें समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट, सिंपल सी बात, अबाउट 3 to 5 million ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन, एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, हाँ जी, ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, वेरी नाइस, बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, ब्रिलियंट हैं, राइट, ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या फिर एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलते थे, वो कौन थे, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस हु लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड इज, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं ये क्वेश्चन लेकर आता और चार ऑप्शन देता तब आपको मजा आता, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो आई वॉन्ट कि इस चीज को एज इट इज याद कर लो, ऑप्शन पर डिपेंडेंट मत रहो और उस पॉइंट को, चीजों को याद कर लो, ठीक है बच्चों, बातें समझ पा रहे हो, बातें समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पहली बार होमो इरेक्टस का जो फॉसिल है वो कहां पर डिस्कवर हुआ, जावा एरिया में, है जावा 1891 में, वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करो, ये क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं है, इन क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, अगर इसको कर गए तो तुम ऑटोमेटिकली इसको रेप्लीकेट कर जाओगे। नीलडरथल जो मैन थे, है ना, नीलडरथलेंसिस की बात करें, होमो सेपियंस नीलडरथलेंसिस। अच्छा तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नीलडरथल जो है ये क्या है, जीनस है, स्पीसीज है, सब स्पीसीज है, क्या है, हाँ जी नीलडरथल क्या है, जल्दी से 21 वाले में पूछ रहा हूं आप लोगों को, नीलडरथल क्या है, सारे बच्चे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, होमो सेपियंस नीलडरथलेंसिस मतलब इट इज अ सब स्पीसीज, जैसे हमारी साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट, वैसे ही इसका क्या है, होमो सेपियंस नीलडरथलेंसिस, तो ये सब स्पीसीज है, याद करेंगे। कहां पर रहते थे, आपको यहां पर याद रखना होगा प्रॉपर, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, चीजों को याद रखना, डन ना, बिल्कुल क्लियर। होमो सेपियंस पहली बार कहां पर अराइजेस हुए,
होमो सेपियंस कहां पर अराइजेस हुए? हाँ जी बच्चों खटाखट 22 का आंसर बताओ, 22 का होमो सेपियंस, यस वेरी नाइस, अफ्रीका, कहां पर बच्चों? अफ्रीका की बात करें होमो सेपियंस, तो ओरिजिन प्लेस ऑफ होमो सेपियंस आर, चार ऑप्शन दे दिया, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और ट्राई करो कि ऐसी चीजों को याद कर लो, ऐसी चीजों को सिस्टमैटिक याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोजाइलम कोका की बात कर रहे हैं, है ना, और ये पहली बार आपने कहां पर देखा? इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बातें समझ पा रहे हैं? अमेरिका, राइट, सिंपल ऑरिजिन, सिंपल ऑरिजिन, साउथ अमेरिका, नेटिव ऑफ व्हाट? साउथ अमेरिका, इरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे कोकेन बनती है आपकी ना, कोकेन बनती, याद आ रही बातें, जिसको कोक भी बोलते हो। डन, चलो भाई अगली बात, मोर देन 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कहां पर मिलती है? मोर देन 70%, तो पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीका। जल्दी से बताएंगे, 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया, चाइना, ए एंड बी बोथ एंड अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन, तो आंसर क्या हो गई भाई? चाइना एंड इंडिया, NCERT की लाइन है ना, NCERT की लाइन, सैक्रम बारबेरी की बात कर रहे हैं और सैक्रम ऑफिसिनिरम की बात कर रहे हैं, तो एक साउथ इंडिया की जो है शुगर केन की वैरायटी और एक नॉर्थ इंडिया की, ठीक है ना, तो ये चीज नोट कर लेंगे, तो ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया, वंडरफुल बच्चों। अब मुझे बताओ हाई वैरायटी कौन सी है? बारबेरी या ऑफिसिनिरम, जल्दी से बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले बताओ ऑफिसिनिरम इज द हाई वैरायटी ऑफ द शुगर केन या फिर बारबेरी इज द हाई वैरायटी ऑफ शुगर केन, जल्दी से बताएंगे हाँ जी बच्चों, गुड, तो दिस इज द हाई वैरायटी, दिस इज द व्हाट, वेरी नाइस, हाई वैरायटी, वेरी सिंपल यार, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। अगली बात, अगली बात, तो तुमको यहां पर बच्चों नीचे जो है क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाओगे तो पूरी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, समझ रहे हो, और आने वाली जितनी भी लिंक्स हैं वहां पर भेजता रहता हूं, तो ट्राई करो कि उसको ज्वाइन कर लें, ठीक। चलो भाई IARI की बात करें, कहां पर है ये? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, किसकी बात कर रहे हैं? न्यू दिल्ली। चलो भाई अगली बात कर लेते हैं, अगली बात करते हैं, राइस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहां पर है? फिलीपींस, याद रखेंगे कहां पर? फिलीपींस की बात करें, डन है, फिलीपींस की बात करें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा करके, है ना, आपको याद रखना है यार, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ICWMI आपको पता है ना, मैक्सिको, कहां पर भाई? मैक्सिको, डन ना, डन डन डन। एक क्वेश्चन है टाइचुब नेटिव वन, ये जो वैरायटी बनी थी ये कहां पर बनी थी, है ना, डेवलप फ्रॉम विच एरिया, है ना, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बातें की जा रही, टाइचुब नेटिव वन, तो टाइचुब नाम से ही समझ में आया, ताई मतलब ताइवान, ठीक है, वंडरफुल। 30 का आंसर आपको सबको पता है बच्चों, 30 का आंसर आपको दिख रहा है, IR8 डेवलप फ्रॉम, ठीक है ना, किस जगह से, कहां से बना, 31 की बात कर रहे हैं, तो इट इज डेवलप फ्रॉम IRRI, और ये कहां पर था बच्चों? फिलीपींस, कहां पर? फिलीपींस, बिल्कुल ठीक, हां जी बिल्कुल ठीक। और नॉर्मन ई बॉरलॉग ने एक वीट की वैरायटी बनाई थी, सेमी डॉर्फ वीट की वैरायटी, कहां पर? ICWMI में, और ये कहां पर है? मैक्सिको में, ये कहां पर है बच्चों? मैक्सिको में। ऐसी चीजें याद करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों को स्टेप वाइज करवा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और इससे ज्यादा से ज्यादा अपना बेनिफिट करो, अपना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करो, मेरी बातें समझ रहे हो, तो अच्छे से याद रखेंगे इसको, डन। चलो भाई बच्चों अगली बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जया एंड रत्ना कहां पर डेवलप हुई थी? जया एंड रत्ना डेवलप्ड इन, अच्छा क्वेश्चन, जया और रत्ना डेवलप्ड इन। तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए वैरायटी किसकी है, राइस की वैरायटी है किसकी है, और डेवलप्ड इन तो यहां पर ऑप्शन में आपको एज इट इज नहीं देना होगा, इंडिया, इंडिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बातें समझ पा रहे हैं? एक दूसरा, टॉडी इज यूज्ड इन, टॉडी जो है वो किस जगह पर, इंडिया के किस एरिया में यूज की जाती है टॉडी, वो ड्रिंक होते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक के फॉर्म में, जल्दी से बताएंगे। 34 की बातें यहां पर, टॉडी इज यूज्ड इन, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। तो साउथ इंडिया, जो एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया, क्या साउथ इंडिया में इसको नॉर्मली यूज करते हैं एज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक, आपको सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो भाई अगली चीज करते हैं। अब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, हालांकि वर्ल्ड वॉर टू में है ना, देखो इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, सिर्फ आप इसका पॉजिटिव साइड लेना, क्योंकि पेंसिलिन यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर टू में टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भाई कौन से सोल्जर्स क्या, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि अमेरिकन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर टू में ट्रीट किए गए थे किस एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक नेम इज पेनिसिलिन, क्या नाम याद रखेंगे, पेनिसिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलाई लिली की बात कर रहे हैं, ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इलाई लिली कैसी कंपनी है बच्चे, अमेरिकन कंपनी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, मेरी बात को समझना, अमेरिकन कंपनी विच फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस क्या इंसुलिन, तो आपको पता चलना चाहिए, या ह्यूमन इंसुलिन, तो इलाई लिली, आंसर विल बी व्हाट, इलाई लिली। आई होप तुमको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आई होप तुमको ये बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो। इसकी पीडीएफ में अन अकेडमी नीट प्रो, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या, अन अकेडमी नीट प्रो, इस पर भेज दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इसको सॉल्व करो मेरे साथ में, ठीक है ना, आपके आधे घंटे लगेंगे और काम बन जाएगा अपना। अ कंपनी हु गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस, हाँ जी बच्चों, बासमती राइस, सारे बच्चे, अ कंपनी हु गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, अमेरिकन कंपनी थी, नाम था राइसटेक, राइसटेक ये अमेरिकन कंपनी है। बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो, डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल और इजी है ना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है ना, मैंगो ट्री डू नॉट या फिर कैन नॉट ग्रो इन, कहां पर, तो कनाडा एंड जर्मनी, वहां का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है, कनाडा एंड जर्मनी। तो जितने भी कंट्रीज हैं और ऐसी चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में, एक जगह देख लेते हैं, अब इससे क्या पता कुछ क्वेश्चन बना दे। बातें समझ पा रहे हैं? Which of the following vegetation cannot grow in Canada and Germany, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको लगेगा जी ये SST का क्वेश्चन कहां से आ गया, और ये कहीं नहीं लिखा कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ट्रस्ट मी, है ना। तो हमको हर एरिया कवर करना है, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, अगर तुम सीरियस हो तो इस चीज को समझोगे, बाकी तो हम अपने आप से ही कुछ समझ लेते हैं, ठीक है ना, ट्राई करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ये वहां की बातें कर रहे हैं जहां डाइवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई उस एरिया में इतने हैं डाइवर्सिटी, ऐसी एरिया, वो चीज याद रखेंगे। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन, कहां पर नहीं मिलते, स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन, एनसीईआरटी के लाइन में बता रहा हूं, बाकी तो कहीं भी नहीं मिलते, है ना भाई, मेरे गुड़गांव में नहीं मिलते, है ना, बात समझ पा रहे, आपके केरला में नहीं मिलते, आप समझ पा रहे, मतलब आपके उसमें नहीं मिलते, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो केरला फॉरेस्ट, एनसीईआरटी की ही लाइन में से जो सिटी थी या कंट्रीज थी उसको उठाया और उसको फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, यही तो है ना मेथड, इसको करेंगे एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन केरला फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको तब मजा आता, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो इसकी वैल्यू को समझेंगे सारे बच्चे, ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, आपको याद होना चाहिए, यस यस और नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सिंपल से क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन की जिसकी बात करें, हाई एल्टीट्यूड प्लेस की का नाम एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है जो कि मोर देन 3500 मीटर ऊपर है, ऐसी जगह का नाम रोहतांग बाईपास, याद आ रहा है, रोहतांग
पास नियर मनाली. मनाली गए हो भाई, मनाली गए हो, ठंडी जगह. साथ साथ में मानसरोवर है ना, साथ साथ में मानसरोवर, ठीक है. ये जो तिब्बत वाला एरिया है ना, वहां पर है ये, है ना, तिब्बत वाला एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है. चलो भाई 41 की बात करेंगे. 41 सिंपल और इजी. अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन. प्रिकली पियर कैक्टस कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, ताकि वो जो नेटिव वाले हैं मौत के फॉर्म में, है ना, उनको तो फिर बाद में वहां आ गए, फिर बाद में मौत के थ्रू उनको खा लिया गया, खत्म कर दिया गया. याद होगा आपको अगर पढ़ा है तो. प्रिकली पियर के कैक्टस की बात कर रहे हैं तो आंसर विल बी व्हाट, ऑस्ट्रेलिया. आंसर विल बी व्हाट, ऑस्ट्रेलिया. बातें समझ में आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया. वंडरफुल बच्चों, तुम्हारा जो तुम्हारी जो लगन है वो मुझे बहुत पसंद है कि तुम लगकर काम कर रहे हो. दिस इज द बेस्ट पार्ट ना, बेस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी. मैं इसको चाहता चार ऑप्शन में दे देता, बट मैं चाहता हूँ तुम्हारा ब्रेन इस्तेमाल हो, सीधे डाटा याद हो, तब मजा आता है. ठीक, दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़े. अच्छा, यहां पर बात कर रहे हैं विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज कंपीट इन, कहां पर वो आपस में एक ही चीज पर कंपीट करती थी. तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिकन लेक, अमेरिकन लेक्स. बातें समझ में आ रही हैं. केतन बेटा मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया, ईयर्स और साइंटिस्ट ऑलरेडी कर दिया है. आप प्लीज मेरी प्रोफाइल में इसी चैनल पर देख लो, प्लस नीट प्रो चैनल पर चले जाओ. मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं जो तुम कह रहे हो, है ना. चलो भाई अगली बात, 41 की बात करें बच्चों. ये जो एबिंगडॉन टॉर्टोइज थे, ये पहली बार कहां पर मिले, एबिंगडॉन टॉर्टोइज फर्स्ट टाइम कहां पर मिले, आपको ये चीज याद रखनी है. तो गैलापागोज आइलैंड, कहां पर, गैलापागोज आइलैंड. वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गैलापागोज आइलैंड आपको टिप्स पर याद होना चाहिए. अच्छा, बार्निकल की बात करें, बैलनस है ना, और कैथमेलस की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक. तो ये कहां पर मिले थे पहली बार, ये जो बार्निकल्स हैं ये, है ना, ये पहली बार कहां पर आपको दिखे थे, सिंपल सा क्वेश्चन. तो स्कॉटलैंड में मिले थे ना, कहां पर, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. तो आपको कंट्री कौन सी याद रखनी बच्चों, स्कॉटलैंड याद रखनी. मैं आपके साथ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं, मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं. बातें समझ में आ रही, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, वन वर्ड वाले क्वेश्चन, आसानी से ऐसे टिप्स पर कर सकते हो, ट्रस्ट मी मजा आएगा, है ना. चलो भाई अगली बात करेंगे, है ना. चलो बच्चे अगली कहानियां. 45, राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन, ये कहां पर एग्जैक्टली ग्रो कर रहा है राउल्फिया, जल्दी से बताएंगे. 45 हिमालयाज में, कहां पर, हिमालयाज में ग्रो कर रहा है. बातें क्लियर, राउल्फिया वोमिटोरिया वेरी इंपॉर्टेंट, किस एरिया में, हिमालयाज. वंडरफुल, बहुत अच्छे. अमेरिकन रेन फॉरेस्ट कहां पर मिल रहे हैं बच्चों, अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेरिका. तो स्पेशली कहां पर, साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका, वेरी सिंपल, बहुत इजी. ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे पता है कि काफी इजी लग रहे होंगे तुमको, अरे बस यही याद करना. एग्जाम में इसका मॉडिफिकेशन देखो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना. इन ऑस्ट्रेलिया है ना, लाइक इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस्ड, तो आपको बोल दिया जाएगा, तो वहां पर आंसर लिखना पड़ेगा, प्रिकली पियर कैक्टस लिखना पड़ेगा, ठीक है. चलो भाई, अलेक्जेंडर वॉन हनबोल्ट की बात कर रहे हैं सारे बच्चे, 47 की बात कर रहे हैं. किस जगह पर उन्होंने अपनी सारी चीजें एक्सप्लोर की थी, एनसीईआरटी की लाइन, किस जगह पर जाकर उन्होंने अपनी सारी चीजें एक्सप्लोर की थी. तो आंसर इज वॉट, सिंपल है, इजी है ना, साउथ अमेरिकन जंगल, साउथ अमेरिकन जंगल्स, साउथ अमेरिकन जंगल्स में उन्होंने अपनी, वॉन हम्बोल्ट ने अपनी सारी बातें बताई थी कि हाँ जी कैसे एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है,
डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इनफैक्ट ये सारे वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं. नेक्स्ट 48 का आंसर बताना बच्चों. 48 का आंसर बताएंगे, डोडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई थी. डोडो क्वैगा नाम याद आ रहा है ना, डोडो वो बर्ड के फॉर्म में. सिंपल, तो मॉरिशस है ना, क्या मॉरिशस. क्वैगा की बात कर ले तो क्वैगा क्वैगा अफ्रीका है ना. क्वैगा कहाँ की, ये अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुई है ना. थैलेसीन कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई बच्चों, थैलेसीन जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. आई एम वेटिंग थैलेसीन की बात करें, जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. वंडरफुल, बहुत अच्छे. अफ्रीका है ना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ठीक है ना. अच्छा तुमने प्रीवियस वाले का आंसर दिया अभी, ठीक है. तो मॉरिशस डोडो याद कर लें, बायोडायवर्सिटी का हिट क्वेश्चन है. क्वैगा अफ्रीका और थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुई थी, वर्ड याद रखेंगे. बहुत सिंपल आपके लिए अगला क्वेश्चन बच्चों, आपके लिए अगला क्वेश्चन. स्टेलर सी काउ की बात करें, स्टेलर्स सी काउ, राइट. अब ये कहां से, स्टेलर सी काउ की बात करें बच्चे, सिंपल रशिया. होता क्या था, एक बड़ी सी लाइक मछली जैसी मैमल है ना, मैमल विच लुक्स लाइक मछली, बड़ी सी जाने वो, इसको एक भी पकड़ लो तो आपके कई दिनों का काम बन जाता था. काफ़ी महंगी बिकती थी, काफ़ी हैवी होती थी ये, बड़ी मतलब ऐसे ऐसे दो रूम्स बड़े बड़े बना दो, बात समझ पा रहे हो. तो लोग इसको ज़्यादा पकड़ने लगे, और धीरे धीरे इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उतनी नहीं थी जितना इसको खाया जाने लगा, पकड़ा जाने लगा, मार के बेचा जाने लगा. तो धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गई, डन ना ये चीज़ें. स्टेलर सी काउ 52 की बात करें, विक्टोरिया लेक कहां पर है, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका. वंडरफुल बच्चों, बहुत अच्छे. विक्टोरिया लेक कहां पर, ईस्ट अफ्रीका, पूछ लेंगे. ईस्ट अफ्रीका में जो फेमस लेक है क्या नाम है भाई, सीधी सी बात, डन. क्लैरियस की बात कर रहे हैं, क्लैरियस कहां पर मिल रहा है ना. ये क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए. एक तो कैटफिश है और वो भी कहां की, कहां की नेटिव, अफ्रीकन, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है. सिंपल फॉर्म में अफ्रीकन कैटफिश, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट. बातों को ढंग से समझेंगे बच्चों, ढंग से समझेंगे. अगली बात करें, सिंपल अर्थ सबमिट कहां, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो सब तो चलो ठीक है, ये भी और इंपॉर्टेंट है. ऐसे कहां पर हुए, ईयर याद करना है, जगह याद करनी. अर्थ सबमिट बच्चों पहली बार कहां पर हुआ, अर्थ सबमिट की बात करें ये याद रखेंगे, रियो डी जेनेरियो. कहां, रियो डी जेनेरियो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. रियो डी जेनेरियो, वेरी इंपॉर्टेंट, डन. 54 की बात करें, वर्ड सबमिट कहां पर हुआ. हाँ जी, वर्ड सबमिट कहां हुआ, जल्दी से मैसेज करो, जल्दी से मैसेज करो, तुम्हारे मैसेज भी देखता जा रहा हूं पैरेलल में. 55 की बात करें, वर्ड सबमिट साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, याद आया. हाँ जी, बहुत अच्छे, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग आप ऐसे याद करो, साउथ अफ्रीका, डन डन डन. ईयर याद करने और ये सारी चीजें आपकी, मेरी सारी सीरीज को एक बार देख लोगे ना, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी, डन. 56 की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहली बार किधर है ना, के फॉर्म में, तो जल्दी से बताएंगे इसको भी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ईयर भी याद है बच्चों को, वेरी नाइस. यशवंत है, गोपाल है, रुमकी है, स्मृति है, चंद्रमोहन है, वेरी नाइस बच्चों. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल कनाडा की जगह का नाम है ना, तो कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा. कहां पर है ये, कनाडा में है, ठीक है, डन डन डन. खासी एंड जेंटिला हिल्स, ये कहां पर है, खासी एंड जेंटिला हिल्स, ये एग्जैक्टली कहां पर है बच्चों, खासी एंड जेंटिला हिल्स, मेघालय. क्या वर्ड यूज किया, मेघालय, यहां पर है, चीजों को याद रखेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट,
अरावली हिल्स की बात करें, ये कहां पर है बच्चों? अरावली हिल्स पता है तुम्हें? यस, राजस्थान कहां पर है बच्चों? यस राजस्थान, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट, राजस्थान में अरावली हिल्स हैं। डन, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट की बात करें, बहुत अच्छे रूम की रीना, शालिनी, लवी, जस्टिन, गोपाल, देवांशी, है ना? चलो भाई, 59, तो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बातें समझ पा रहे हैं? डन, चीजों को याद रखेंगे, चीजों को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, या फिर आपसे बोलेंगे कि इन मेघालय विच हिल्स आर फाउंड, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ, शुरू के तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रियो डी जनरियो विच सबमिट अकर, तो आपको लिखना पड़ेगा, नॉट वर्ल्ड सबमिट, इट इज अर्थ सबमिट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, पक्की बात, आज वाले सेशन से एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा, है ना? क्योंकि तो और क्या आएगा, सिंपल सी चीज। अगला क्वेश्चन, सरगुजा, चंदा और बस्तर, ये एरिया एग्जैक्टली कहां पर मिलते हैं? अगला क्वेश्चन, मुकेश बेटा मैं ऑलरेडी बनाऊंगा, डोंट वरी, है ना? मैं सारे एग्जाम्पल्स और सारे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनकी एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए ना। कहां पर बनाऊंगा? यहां पर नहीं, नीट प्रो चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? नीट प्रो। 60 की बात कर रहे हैं, तो ये कहां आ गया? मध्य प्रदेश, है ना? एमपी की बात कर लेते हैं, बच्चे ने आंसर देना शुरू कर दिया। अहमद खान कहां से बिलोंग करते थे? जहां से आपका मेन हेड ऑफिस अन अकेडमी बिलोंग करता है, बेंगलोर, है ना? कहां से बच्चों? बेंगलोर, याद रखेंगे, अहमद खान बिलोंग्स टू, तो वहां पर उन्होंने किस पर काम किया था आपको सबको पता है। अहमद खान ने किस पे काम किया था जल्दी से बताओ, वैसे मैंने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी बता रखा था आप लोगों से जब क्वेश्चन कर रहा था मैं, परसों की बात है शायद, तब तक मैं 62 का आंसर ढूंढता हूं आप लोगों के साथ में। हाँ जी, 62 का आंसर, ठीक है जी, तो चीजें डन 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 डन, 62 का आंसर बच्चों जल्दी से बताएंगे, सोनीपत हरियाणा। ठीक है ना? रमेश चंद्र डागर, ठीक है ना? डन। चलो भाई, ओजोन होल किस एरिया के ऊपर मार्क किया गया, देखा गया? सारे बच्चे 63 की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। 63, ओजोन होल इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर किस एरिया के ऊपर ओजोन होल को देखा गया पहली बार, वो जो फोटो वोटो लेते हैं। 63 का आंसर सारे बच्चे, अंटार्कटिक रीजन, कहां पर? अंटार्कटिक रीजन, ठीक है ना? नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज अंटार्कटिक रीजन, बातें समझ में आ रही? नॉट ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक रीजन, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर क्या बोलेंगे, झूम कल्टीवेशन, दिस इज डन इन, कहां पर किया जाता था? मतलब एक बार पेड़ को काटा, वहां का काटने के बाद वहां पर खेती की, उसको वहीं पर बर्न कर दिया, फिर उसका मिनरल जो उसमें मिक्स हो गया उसको खेती की, खाया पिया पकाया, जब वो जमीन बंजर हो गई तो वो स्विच कर गए नई जगह पर, दैट इज कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न। ऐसी चीजें कहां पर फेमस थी पुराने टाइम में? अब तो बंद हो गया, अलाउड ही नहीं है। जल्दी से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन्स, अमृता देवी विश्नोई की जब मैं बात करूं तो कहां से रिलेटेड है, किस जगह से रिलेटेड है अमृता देवी विश्नोई? जोधपुर, राजस्थान। कहां से? जोधपुर से, राजस्थान से। कोई है तुम में से जोधपुर का? जोधपुर राजस्थान, कोई बच्चा है जोधपुर राजस्थान का? ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात, 65 तक की बातें डन हो गई बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो आपको जो नेक्स्ट सेशन लूंगा मैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, और साथ साथ में किसका,
कंप्लीट एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं नीट प्रो यूट्यूब चैनल पर लूंगा। तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है यूट्यूब का, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड काम क्या करना है, उसी के थोड़ा और नीचे जाओगे तो एक टेलीग्राम लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक का नाम क्या है, अन अकेडमी नीट प्रो, उसके आगे अन अकेडमी लिखा है और पूरा पूरा ऑफिशियल चैनल है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने बाकी चीज़ें भी काफ़ी भेजी हुई हैं। 5 दिन बचे हैं ना, 6 दिन लगा लो, 5 सैंपल पेपर भेजे हैं मैंने अन अकेडमी नीट प्रो पर, मेरी बात को समझना। उस सैंपल पेपर की खास बात कि वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, ट्राई करो कि उसको सॉल्व कर लो बच्चों, ट्राई करो कि उसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो वहां से जाकर उठा लेना। अगली बात करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, अच्छा वाला क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन कहां पर स्टार्ट हुआ था? हाँ जी बच्चों, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, डन, हिमालयाज के फॉर्म। एनसीईआरटी की बात, कियोलाडो नेशनल पार्क, ये लो स्टार लगा रहा हूं, ये लो स्टार लगा रहा हूं, जल्दी से भरतपुर, राजस्थान, ठीक है। एंड आखिरी जो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है वो फाइनली ये, कैंगरू रैट कहां पर मिलते हैं बच्चों? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। अच्छा जी, अब अगली बात, कुछ चीजें और भी हैं, डोंट वरी, होल्ड ऑन, क्या तुमको इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी? ये 68 हैं टोटल, बस इससे ज्यादा तुमको कोई ईयर, मतलब कोई भी जगह नहीं याद रखनी, 68 जगह का नाम कर लिया तो आपको बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, ई मतलब एरिया वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बात ठीक। एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ों पर डिफरेंशिएट होती हैं, बहुत सी चीज़ों पर डिफरेंशिएट होती हैं बच्चों, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ हर वो बच्चा है ना, हर वो बच्चा जो सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से वो अच्छे से पढ़े, और इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको कहाँ पर भेज दूंगा? हाँ जी बच्चों, इसकी पीडीएफ मैं आपको कहां पर दे दूंगा? अन अकेडमी नीट प्रो वाले चैनल, ठीक। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझें, आपका हाफ आवर, ध्यान से समझो बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड का मतलब एलगी किस बेस पर क्लासिफाई किया गया, कोई बच्चा मुझे आंसर दे जल्दी से। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताओ, एलगी किस बेस पर क्लासिफाई किया गया? एलगी इज बेस्ड, क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाँ जी, एलगी इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पर एलगी क्लासिफाई किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। तो ऐसे बहुत सी क्लासिफिकेशन की डिपेंडेंसी है ना, कि भाई दिस इज डिपेंड ऑन दिस, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, और बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो एक तो पिगमेंट है, प्लस साथ में आपको ये भी पता है कि उसका फूड मटेरियल भी है ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, तो बात को समझें सिंपल फॉर्म में। तो पिगमेंट भी है, फूड भी है, ऐसी भी चीजें हैं यहां पर, एक मिनट रुकना। तो ऐसी चीजों के लिए आपके लिए 15-20-25 और पॉइंट्स लेकर आया, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें क्विक फॉर्म में इसी बहाने रिवाइज कर लें, जब साथ में हैं तो क्यों वेट करें अगले दिन का, कि एक नया सेशन मिलेगा, चलो चुपचाप आधे घंटे और खींच देते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड हो? हाँ जी जल्दी से बताओ, प्रिपेयर्ड हो? चलो पहला क्वेश्चन आपने, तो एलगी आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस डिपेंड ऑन, हाँ जी किस पर? तो पहली चीज तो स्टोरेज फूड, जल्दी से शुरू हो जाओ, फिर से शुरू हो जाओ, है ना, 20-25 हैं, ज्यादा नहीं, आधे घंटे लगेंगे, मतलब ज्यादा आधे घंटे भी नहीं, 20 मिनट्स ऑन। एलगी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, तीन क्लासेस को किस बेसिस पर? तो आपको याद रखना होगा पिगमेंट और स्टोर्ड फूड, ठीक है ना, पिगमेंट और स्टोर्ड फूड याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे नहीं बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग वर्कशीट सॉल्व करते थे, आई एम हेयर फॉर सॉल्विंग वर्कशीट्स, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नीचे टेलीग्राम चैनल है, जरूर से जरूर ज्वाइन करो,
किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड ऑन किंगडम फंजाई की बात करें. पहली चीज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. तो आंसर आपको क्या मिलेगा पता है, मैं बता दूं सीधी सी बात, आंसर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा पता है, आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे. पहला ऑप्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, डन. अब वो माइसीलियम कैसे हैं, सेप्टेट हैं, ये सेप्टेट है इसके बेसिस पर. दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, या फिर उसकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है. बात समझ पा रहे हो? तो ये तीन ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल ऑफ एबव. या फिर एक और ऑप्शन मिलते हैं, आजकल नया तरीका चला हुआ है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. मेरी बात को सीखो, अगर सीखने की नीयत से हो, और आई नो तुम हो, तो इस चीज को समझेंगे. तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करें, सिंपल एपिथीलियम इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, इनटू थ्री टाइप. कौन कौन से थ्री टाइप? तो आपको पता है स्क्वैमस, है ना, क्यूबॉइडल और कॉलमनर. तीन शेप हैं, या तो वो स्क्वैमस है या वो क्या है, क्यूब शेप है या कॉलमनर है. किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, है ना, क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. मेरी बात समझ रहे हो? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर क्लासिफाइड है बच्चों, समझ रहे हो ना. चलो भाई अगली बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं बात की कर रहा हूं, किस चीज को क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में, वो तीन टाइप कौन से हैं? ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और जीनोगैमी. या आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपसे सिंपल फॉर्म में, कि पॉलिनेशन इज क्लासिफाइड इन ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी डिपेंडिंग ऑन. तो आंसर क्या लिखोगे? सोर्स ऑफ पॉलन. क्या बोला? सोर्स ऑफ पॉलन, कि उसका पॉलन उसी फ्लावर से है या उसी प्लांट से है या डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज से है. बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसको समझना. ये फिल इन द ब्लैंक्स तो कोई भी कर लेगा, ट्रस्ट मी, कोई भी कर लेगा, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ तुमको वो सीख गए ना, तो नीट का जब 6 दिन बाद एग्जाम होगा तो फोड़ कर आओगे. सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फोड़ कर आओगे. क्यों? तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुमको मेथड्स पता है, ठीक है. चलो फिफ्थ का आंसर जल्दी से, रेस्पिरेटरी आरक्यू की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ, है ना, इस बात को समझेंगे, रेस्पिरेशन की, है ना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट किस पर डिपेंड है, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स लगाना था ना, फिर भी आपको याद करना है. अच्छा जी, ये बताएंगे न्यूरॉन्स को तीन टाइप में किस में डिवाइड किया गया. सीधी सी बात, तो आपको पता है कौन कौन सा? यूनिपोलर, बाईपोलर, राइट, और मल्टीपोलर, ठीक है बच्चों, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर, ठीक है, डन. किस चीज के बेसिस पर? उनके एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बेसिस पर, उनके एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पर. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड ऑन विच बेसिस, एक्सॉन या फिर डेंड्राइट्स, है ना, या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन. बात समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर नहीं जी यूनिपोलर ये सब तो एक्सॉन से रिलेटेड है, डेंड्राइट का क्या काम. नहीं, डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों से रिलेशन है. बातें समझ में आ गई? यूनिपोलर एक पोल है, है ना, दो पोल, एक डेंड्राइट भी एक एक्सॉन भी, बीच में तो साइटॉन है ही है. और मल्टीपोलर जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं 9th में 10th में सब टाइम बना, वो मल्टीपोलर है, कई पोल्स हैं उसमें, याद करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेवन कौन सा यहां पर, है ना, किसके बेसिस पर? स्केलेटन दिस आर बेस्ड ऑन लोकेशन, आर बेस्ड ऑन व्हाट? लोकेशन. तो कौन है? मसल्स आर थ्री टाइप. तो मसल को तीन टाइप पे किस बेस पर डिवाइड किया गया, किस बेस पर क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अगर हार्ट में है तो कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल. और हमारे विसरल एरिया में है, डाइजेस्टिव एरिया वाला, तो उसको बोलेंगे विसरल मसल्स. दैट्स इट. ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, यहां पर फुल है.
ये भी आपको पता है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय, है ना? मुझे बताना 11th का आंसर, बताना 11th का आंसर बताना सारे बच्चे, कौन सा ब्लड ग्रुप है ना बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस, है ना, सरफेस ऑफ टू सरफेस व्हाट, एंटीजन या एंटीबॉडी? चलो यहां पर तो क्या होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, नॉट एंटीबॉडी, सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन बच्चों, बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही, सिंपल एंड इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी, डन, बहुत ही अच्छे। अगला बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग ऑन, मैकेनिज्म ऑफ जो ये है डिपेंडिंग ऑन, अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस हैबिटेट में है, है ना, डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है ना भाई, हैबिटेट पानी में है तो गिल्स, हैबिटेट मॉइस्ट सॉइल में है तो स्किन, और हैबिटेट एयर में है, एनवायरमेंट में है तो पल्मोनरी, बात समझ पा रहे हो, और गिल के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक। तो यहां पर डिपेंड ऑन दी क्या, सिंपल फॉर्म में हैबिटेट, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही, इजी एंड सिंपल, चीजों को याद करो, एनसीईआरटी की बातें करें ना। अगली बात, क्रोमोजोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप, किस बेसिस पर, याद है ना वो क्रोमोजोम ऐसा, फिर किसी में ऐसा, किसी में थोड़ा सा, फिर ऐसा, किस बेसिस पर, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हाँ जी जल्दी से बताओ, सिंपल क्वेश्चन, इजी, क्रोमोजोम कैन बी क्लासिफाइड फोर टाइप, कौन कौन से थे याद है, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, किसके बेसिस पर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का अदर नेम क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर का हाँ जी अदर नेम क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये वर्ड आज याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा तो है ना एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन्हीं में से बना हुआ क्वेश्चन आएगा, ये पूरी पूरी गारंटी। तो वीडियो भी मेरे यही है, मैं भी इधर ही हूँ, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, और करने का क्या, आप तो सेलेक्ट होकर जाओ यार, मेडिकल कॉलेज में जाओ, बात समझ पा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम को कितनी क्लासेस में किया गया, 6 क्लासेस में किया गया क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइजेस, तो उनकी कैटलाइजिंग एबिलिटी पर उसको 6 क्लासेस में डिफाइन किया गया है, एंजाइम वाले बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया होगा, डन। अच्छा जी अगला क्वेश्चन 15th की बात कर रहे हैं, प्रोफेज कितने उसमें डिवाइड किया गया फर्दर, तो प्रोफेज में लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकोटीन डिप्लोटीन और डायगोनेसिस, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकोटीन डिप्लोटीन डायगोनेसिस याद रखेंगे, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डायगोनेसिस LZPDD जैसे भी याद करना चाहो, ये किस पर क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, ये जो प्रोफेज को क्लासिफाई किया गया है वो किस बेसिस पर, यही तो बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि लेप्टोटीन में अलग है, फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, फिर उसमें कियाजमाटा फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर उसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो एवरीथिंग इज क्रोमोसोमल बिहेवियर, बातें समझ में आ रही, सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल सिंपल से मैथड है, बातें समझ में आ गई। चलो भाई अगली बात, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल ऑफ पेरिफेरी, डिपेंड ऑन, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहे हैं बच्चों, डिपेंड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो गए उनको बोला एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, और जो अंदर फंसे पड़े हैं उनको क्या बोला इंट्रेंसिक प्रोटीन, और इसके बेसिस पर 2 क्लासिफिकेशन कर दी, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, इंटीग्रल या फिर पेरिफेरी, है ना, बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एनसीईआरटी की लाइन है,
ऑन विच बेसिस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से वो निकल पा रहे हैं। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, सक्सेशन की जब मैं बात करूंगा तो सक्सेशन में भी क्या हाइड्रार्च हो सकता है या फिर जिरार्च हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जिरार्च हो सकता है। और ये किस पर बेस्ड है, जो हाइड्रार्च जिरार्च, भाई पानी में है तो हाइड्रार्च, सूखे एरिया में तो जिरार्च, नेचर ऑफ हैबिटेट, नेचर ऑफ व्हाट हैबिटेट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इफ यू वांट टू। बातें समझ में आ रही, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। डन ना, डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिपेंड ऑन, नेचर एंड सॉइल ऑफ प्रॉपर्टी। जल्दी से, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताएंगे बच्चे। गोविंद आंसर कर रहा है ना, और काफी बच्चे हैं। नीचे टेलीग्राम का चैनल है, उसको भाई साहब ज्वाइन कर लो, उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, समझ रहे हो। चलो अगली बात, तो आंसर देंगे बच्चों, वंडरफुल। 18 में आप लोगों को समझ में आ गई चीजें, क्लाइमेट पहली चीज, दूसरा क्या 18 में, वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, क्लाइमेट और वेदरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि वो नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। बातें समझ पा रहे हैं, और फिर फर्दर वो क्या कहां पर सेटल होते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड है बच्चे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड है, तो आपको यहां पर तीन चार चीजें याद रखनी होंगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन, चार ऑप्शन है, हिंट दे रहा हूं आपको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन, चार ऑप्शन हिंट दे रहा हूं, चारों ऑप्शन सही सही बताना, तब पता चलेगा कि एनसीईआरटी सच में पढ़कर आए हो। अगर चारों ऑप्शन बेहतरीन बता गए तब तो मजा आएगा। चलो जी जल्दी से बताएंगे, तो फर्स्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक आंसर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो पहली चीज प्लांट स्पीसीज जो कि उस एरिया में रहती है, प्लांट स्पीसीज ऑफ दैट एरिया, ठीक। दूसरा वेराइटीज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, भाई वहां पर गर्मी ही ज्यादा है या बारिश ज्यादा हो रही है, ये वेराइटीज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर है, वेराइटीज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा जल्दी से बताओ, दो और पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे, ढूंढ सको तो ओपन बुक है, दो देख लो। 19th में, हाँ जी, न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। और लास्ट में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट, वो C3 है या C4 है या कैम है, फोटो सिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट, एबिलिटी ऑफ प्लांट। ये चारों बातें प्लीज बच्चों याद कर लो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, और फोर्थ ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक हटा देगा, और फोर्थ ऑप्शन क्या देगा पता है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बोला, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, वहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखें चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई, रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई, ध्यान से समझेंगे। यहां पर भी दो ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन यहां पर क्या मिल गया आपको, केमिकल कंपोजिशन, जो भी डेट्रिटस है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है एक, और साथ साथ में क्लाइमेटिक फैक्टर। क्या ये दोनों बातें याद रख लोगे, रेट ऑफ डीकंपोजिशन हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, भाई वो काइटिन से बना है किससे बना है, ये डिपेंड करेगा, या सिंपल ऐसे ही सिंपल किसी पेपर की बात हो रही, किसी लीफ की बात, लीफ पहले डिकम्पोज होगा या एक आर्थ्रोपोडा पहले डिकम्पोज होगा, तो लीफ पहले होगा क्योंकि वो सेलुलोज से बना है, आर्थ्रोपोडा में काइटिन है वो बाद में डिकम्पोज होगा, हार्ड बोन है वो बाद में, तो केमिकल कंपोजिशन। प्लस उस एनवायरमेंट में सूखा ज्यादा है या मॉइस्ट है तो ज्यादा ग्रोथ होगी, सूखा है तो कम ग्रोथ होगी, तो क्लाइमेटिक फैक्टर और केमिकल कंपोजिशन दोनों ही बच्चों फैक्टर लगेंगे। डन ना, डन। चलो अगली बात, यहां पर अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 21 की बात करें, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन और अ ट्रॉफिक लेबल बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर, किसके बेसिस पर बात करते हैं। 21
जल्दी से बताएं बच्चों, 21 की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड फूड, बातें समझ में आ गई? डन, बस खत्म है, बस यही है, बस आखिरी पेज है। 22 की बात करो बच्चों, 22 की बात करो, सेकेंडरी सक्सेशन स्पीसीज द इन्वेड डिपेंड ऑन, सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीसीज पहली बार आती है, इन्वेड करती है, घुसती है, इन्वेड मतलब घुसना, किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, किस पर डिपेंड करेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज द इन्वेड डिपेंड ऑन। यस, आंसर्स थोड़े थोड़े से आने शुरू हो गए। पहली बात तो याद रखेंगे यहां पर, फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ सॉइल, कंडीशन ऑफ सॉइल। दूसरा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंट वहां का कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है ना बच्चे। और फोर्थ पॉइंट बच्चों, इसमें आपको यहां पर यह याद रखना है कि वहां पर सीड या कोई भी प्रोपोग्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं, सीड या फिर प्रोपोग्यूल्स, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी सक्सेशन में नई स्पीसीज किस चीज पर डिपेंड होगी, कि नई स्पीसीज कितनी जल्दी आ रही, जल्दी जल्दी आ रही या बहुत स्लोली आ रही, तो वहां की सॉइल कैसी, भाई कभी भी रेगिस्तान में नहीं आएंगी चीजें, वाटर पर डिपेंड होगी, वाटर है या नहीं है, वहां का एनवायरमेंट कैसा, टेम्परेचर कैसा, और सीड या फिर प्रोपोग्यूल्स। बातें समझ में आ रही है, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी का खेल है ना। तो भाई 50-60 वो थे, 20-25 ये थे, निपटा डालो यार, अभी के अभी बैठकर निपटा डालो, पीडीएफ अभी भेज दे रहा हूं, रट डालो, कहने का मतलब। चलो भाई अगली बात, 23 क्वेश्चन का आंसर, इन डेयरी फार्म मिल्क यील्ड इज प्राइमरी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ, किस चीज पर मिल्क यील्ड डिपेंड करेगी सारे बच्चे? तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड, कैसी ब्रीड है इस पर डिपेंड करेगी। वेरी नाइस पूनम, बहुत ही अच्छे बेटा पूनम ने एग्जैक्ट आंसर दिया, क्वालिटी ऑफ ब्रीड, डन ना, इजी एंड सिंपल। ओके, अब यहां पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक जो हम लोग ऑप्टेन करते हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ये तो बता दो, ये तो इजी है, ये बता सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल फॉर फर्मेंटेशन, है ना, ठीक है, फर्मेंटेशन एक, प्लस उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जा रही है, डिस्टिल्ड फॉर्म में की जा रही, बात समझ पा रहे हो, या कैसे की जा रही, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद है ना, बियर वाइन विस्की इन सब में डिफरेंस था, याद आ रही है बातें, याद करेंगे। तो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, दैट में बी डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, डन। आज के लिए इतना ही है ना। अब बच्चों दो चीजें समझाऊंगा, देखो 10 मिनट में 15 मिनट में निपटा दिया मैंने, दो चीजें बताऊंगा बेटा, 6 दिन हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर लो। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता, सर क्या नोट्स पढ़ूं या एनसीईआरटी पढ़ूं, तो मैंने बोला बेटा डिपेंड करता है, अगर तेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये डिपेंड करेगा, तो नोट्स बहुत अच्छे हैं तो नोट्स से बेहतर इस टाइम कोई भी नहीं, बट अगर नोट्स ही नहीं अच्छे हैं तो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। तो लास्ट के 6 दिनों में बच्चों क्या करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, और सैम्पल पेपर सॉल्व करके जो जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं बार बार, उनको क्विक फॉर्म में पढ़ लो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, है ना। और मुझसे जो भी बन पड़ेगा उसको मैं आपके लिए करता रहूँगा एग्जाम्पल, और साथ साथ में जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में, हार्डी वीनबर्ग के हैं, चाहे कैलकुलेट करना है आपको कोई भी पॉपुलेशन, या फिर डीएनए की लेंथ, है ना, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन में, या फिर वो प्लांट ट्रांसपोर्ट वाले में वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्ड जो है, जो भी चीज़ें आपके पास में, प्रेशर पोटेंशियल, है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल, जितने भी कैलकुलेशन है प्लांट में आपके बायोलॉजी में, उसका एक अलग से सीरीज मैं प्लान कर रहा हूँ, राइट। लगे रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, और 6 डेज के बाद जो एग्ज़ाम है ना, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताते रहना कमेंट बॉक्स में, यू नीड व्हाट, नेक्स्ट क्या चाहिए तुमको, तुम्हें बताना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा, सब कुछ है पर तुमको क्या चाहिए वो मुझे बताओ, ठीक। तो अभी के अभी सबसे पहला तो काम क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक है, चैनल का लिंक का नाम क्या है, नीट प्रो, उसको जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहीं पर मेरी डेली क्लासेस होती हैं 6 बजे, वो तो मैं तुम्हारे लिए बीच बीच में यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा को प्रॉफिट मिले,
एक तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक। एंड यस, जो बच्चे 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 2021 के लिए, तो मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है 14th of September से। कब से? 14th of September से प्लस पर नीट यूजी पर कोर्स लॉन्च हो रहा है और फीस शायद थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो आई वॉन्ट यू ऑल कि मेरा कोड यूज करो, ATSIR इज माई कोड, यू विल गेट 10% ऑफ और साथ में मेरे जुड़ जाओगे। मेरा तरीका अलग है बच्चों, है ना, मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं थियरी पढ़ाता हूँ लेकिन न्यूमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ में। कभी भी आप देख लो, मैंने जितने भी वीडियोज डाली हैं नीट प्रूपर, जाकर एक बार देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। भाई नर्व इम्पल्स कंडक्शन वन शॉट में पढ़ाया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वन शॉट में पढ़ाया, ऐसे बहुत से चैप्टर वन शॉट में निपटाए, PPT को नेक्स्ट करके नहीं, हालांकि वो भी है मेरे पास, एक सिंपल शॉर्ट मेथड से नर्व इम्पल्स कंडक्शन को 45 मिनट में निपटा दिया, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ना है, 21 के हो या 22 के हो। मेरे दो कोर्सेज लॉन्च होंगे, तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि प्लस पर आओ, वहां की बातें सिस्टमैटिक मेरी तरफ से हर वो चीज तुमको मिलेगी जो तुम सोचते भी नहीं अभी तक, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, बट वो सब कुछ मैं देना चाहता हूं। हाथ यहां पर लिमिटेशन में बंधे हैं, वहां मैं फ्री हूं तुमको पढ़ाने के लिए हर तरह से। तो मेरे जितने भी न्यूमोनिक्स हैं, इतने जितने भी ट्रिक्स हैं, ऐसे जितने का सीरीज है, NCERT इज ऑल अबाउट ढेर सारा थियरी, ढेर सारे कंसेप्ट एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ इस तरह की चीजें जो रटने वाली हैं। तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से आपको वहां पर बताऊंगा। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू, आई होप तुमको चीजें समझ में आई हैं मेरी, और जितने भी सेशन कर रहा हूं तुम लोग रेगुलरली आ रहे हो, मैं देख रहा हूं काफी बच्चों के नाम रिपीटेड आते हैं, तो मैं चाहता हूं हर बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता रहे। एंड अगेन गुड लक, अच्छा करोगे यार, टेंशन मत लेना 2020 की, अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो चलो बाय, कमेंट में, लाइव चैट में मत लिखना, कमेंट में लिख दो तुमको नेक्स्ट क्या चाहिए, जो बोलोगे वो दे दूंगा, ठीक है, चलो बाय। इसकी PDF मैं नीट प्रो वाले उस पर डाल रहा हूँ ना, अभी के अभी, अभी अभी के अभी ना, ठीक है।